के लिए वैसे तो मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये तो हमारे सबके दिल और मन में बसा है, और अगर इस इरादे के साथ, इस भावना के साथ अगर हम कोई भी काम करेंगे तो इरादे बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखो, परेशानियां तो हर काम में आती है, लेकिन जब इरादा नेक हो, नियति अच्छी हो, तो आपकी मुश्किलें गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जब हमें पता है कि हम लोग इस भारत में आने वाले वक्त में बहुत सारी मुश्किलें जो आम आदमी के बीच में आए, उसका हम पहले से ही अगर निराकरण कर लें, और ऐसी चीजें जिसमें चाहे वो छोटे बड़े का भेदभाव हो, चाहे वो जाति का भेदभाव हो, चाहे लड़ाई झगड़े युद्ध की दुनिया हो, हम इन सब से परे निकल के एक नई दुनिया बना लें, इस मकसद के साथ अगर हम सब लोग काम कर रहे हैं तो इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हमारी कार्यशैली हमेशा बहुत मजबूत, बहुत प्रबल रहे। अब आज का क्यों कोई विषय है मिशन रॉयल्टी, और उसके लिए सबसे पहला जो दृश्य मेरे सामने आता है वो आता है ये एनिवर्सरी का अद्भुत प्रोग्राम, जो कि 23 साल अब इस होने जा रहे हैं हमारे इस महीने के बाद से। 23 वर्ष, अगर आप किसी को बताएं कि 23 साल हो गए हमारी हमारी व्यवस्था को, हमारे मिशन को, हमारे सिस्टम को, हमारी पावर को, हमारे तरीके को, हमारे इस समूह को, तो कोई आदमी मनी मन आपको नतमस्तक करना शुरू कर देता है, बोले यार 23 साल की व्यवस्था है तो ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी व्यवस्था में अगर जरा सा भी कोई लेकुना हो, कमजोरी हो, और कोई डमी हो, कोई बलून जैसा काम हो, तो इतने लंबे समय तक कोई भी व्यवस्था काम नहीं करती। हम यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे, हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बोला हजारों मुश्किलों के बावजूद हर बार हम एक नए पायदान पे पहुंचते जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक लाइन में यहाँ पे एक बात कहूं कि हम कहाँ पे होंगे ये आपको तय करना है, ये मिशन कहाँ पे होगा ये बिल्कुल तय है, अभी आपको तय करना है कि इस मिशन में आप उसी रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं जिस रफ्तार से मिशन हजारों मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ता जा रहा है, तो फिर आप ठीक जगह है। आज मैं जो बातें आपके साथ में करूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें करूंगा। अब देखो, मैं डायमंड का लेवल है मेरे पास, तो मैं डायमंड जाने की ही बात करूंगा, डायमंड जाने की बात करूंगा। मैं आपको छोटी छोटी चीजें नहीं, वो कहते ना हलवाई के पास जाओ, बोलो भैया कुछ सिखा दे, तो जूता सिलना तो सिखाएगा नहीं, वो तो मिठाई बनाना ही सिखाएगा नहीं। तो अब मैं डायमंड हूं तो मैं आपको डायमंड जाना ही सिखाऊंगा, मतलब मेरे मेरे साथ मेरी एक व्यवस्था में यही चीज तो शामिल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ना बहुत सारे बड़े काम नहीं करने पड़ते, लेकिन छोटे छोटे कामों को अगर व्यवस्थित करेंगे तो बड़े बड़े परिणाम लिए जा सकते हैं। ध्यान से सुनोगे तो डायमंड जाओगे, नहीं तो रोदो पीट के एमराल्ड तो साला चले जाओ। देखो, वो कहते ना कि वो फिसल पट्टी पे फिसलोगे तो थोड़ा तो बिना कुछ भी चले जाओगे, तो यहाँ पे ये क्या ना, ये जो मिशन है वो ऐसा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो आपको ले ही जाएगा, लेकिन बड़ा करना चाहते हो, कुछ अद्भुत करना चाहते हो, अगर अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेना चाहते हो, बच्चों का अच्छा भविष्य देखना चाहते हो, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहते हो, समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हो, देश को कुछ मुश्किलों से बचाना चाहते हो, दुनिया में एक अलग स्थान बनाना चाहते हो, तो आपको डायमंड जाने के गोल सेट करने चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रॉयल्टी पर कितना अतिरिक्त बोनस मिलेगा, एक स्लाइड ही बात करूंगा, इसमें ज्यादा बातचीत में नहीं करूंगा। हो सकता है वैसे तो आप सब लोगों को बोनस पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर रॉयल्टी पे आता है तो 5,00,000 करोड़ का बोनस मिलता है। अब आपको यार 5,00,000 करोड़ का कैसे मिलता है? अरे सर, वो रॉयल्टी पे बोनस जो मिलता है वो आपको आगे ले जाने के लिए मिलता है, और जब आगे जाने का रास्ता खुल जाए तो फिर आपके आगे के सारे रास्ते डायमंड तक ले जाते हैं, फिर डायमंड तक चले जाते हैं, तो फिर बोनस क्या देखना होता है, फिर तो आपको कुछ बड़े सपने देखने वाला काम करना है। इस सिस्टम की जो पावर है, इसकी जो ताकत है, इसका जो जो निर्माण किया गया है और जो इसको अपग्रेड जो किया गया है, इस अपग्रेडेशन प्लान में आपके ग्रोथ मोड को शामिल किया गया है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायमंड कैसे जाओगे। ग्रोथ है तो डायमंड है। आज पहले छोटी छोटी बातों को, यानी 3 भाग है जिसको मैं पहले शेयर करूंगा, और उसके बाद हम मिशन रॉयल्टी पे क्या क्या छोटी छोटी बातों को फोकस करना चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। बीसी सर ने जैसा भी आपके बीच में शेयर भी किया है, और बीसी सर ने जो ये
जो हाथ में लिए जिम्मेदारी, ये जो कहते हैं ना, बीसी सर जब भी कोई बात करते हैं तो फिर वो जो चीज है ना, वो एक तरह से पूरी तरह से वो आरसीएम परिवार के जन जन, घर घर, और कहते हैं ना कि हर घर में बात पहुंच जाती है, क्योंकि उस बात में वजन होता है। अगर कोई भी बात होती है तो बात वही आगे पहुंचती है जिस बात में वजन होता है। लोग इसको बार बार बोलने लगते हैं, लोग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे, है ना, सब तक बोलने लगते हैं। और ये आज ये हमारी सबकी आवाज बन जानी चाहिए। और अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो आवाज है, आज हमारा एक बिगुल छिड़ रहा है। वैसे तो मैंने देखा कि आज के दिन जो है वो कंप्यूटर कुछ अलग भाषा में बात करने लगा, है ना। उसने कहा कि आज 1 तारीख है, सितंबर का महीना है, तो आप जैसे मैं हर बार 1 तारीख को होता हूँ वैसा आज नहीं हूँ। आज आरसीएम की वेबसाइट पे जो भी कोई व्यक्ति अपनी वेबसाइट, अपना बिजनेस चेक करेगा तो वो पता चलता है कि रफ्तार कितनी ज्यादा है। अब यहाँ बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा सवाल है, मैं थोड़ा सा आप लोगों का बड़ा होने के नाते में एक सवाल पूछ रहा हूं, और सवाल ये है कि आप समझदार हैं या बेवकूफ। अब देखिए यहाँ पे ना, कई बार जब ये सवाल अगर मैं फिजिकली आप लोगों के बीच में होता तो फिर सवाल सुनने के बाद बहुत सारे लोग थोड़े से सोच में पड़ जाते थे, वो तो यार मैं किस मामले में समझदार हूँ और किस मामले में बेवकूफ हूँ, है ना। मैं यहाँ तो कुछ ठीक हूँ, यहाँ मैं कुछ गलत हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा आपका काम आसान कर देता हूं। देखो, या तो आप समझदार हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहते हैं कि मैं आधा इधर आधा उधर, ये संभव नहीं है। आप या तो समझदार हो सकते हैं और या फिर बेवकूफ हो सकते हैं, या 50-50, 40-60, 70-80, 80-20, 99-1, ये संभव ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मुझे नहीं पता कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, और मैं यहाँ पे आपके बीच में सवाल तो उस तरह से नहीं पूछूंगा जहां पे मैं आपको हाथ खड़ा करके और मैं आपसे नोट करूं, लेकिन आप खुद ही खुद मन ही मन में सोच लीजिए। आप अभी, मैं थोड़ी बातें जब आगे करूंगा तो आगे धीरे धीरे ये सवाल आपके दिमाग में, आपके जहन में बार बार आएगा। देखो, समझदार वो है, समझदार वो नहीं है जो बहुत अधिक पूंजीपति आदमी है, समझदार वो नहीं है जो लंबा तगड़ा इंसान है, समझदार वो नहीं है जो तेज तेज दौड़ता है, समझदार वो नहीं जो घर पर बैठ के आराम करता है, समझदार नहीं वो जिसने बहुत कुछ कर लिया। समझदार मेरे हिसाब से वो है, समझदारी कोई करता है तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। समझदार कौन है? समझदार वो है जो सही समय पे सही हालात में सही निर्णय करने जाता है। तीन बातें हैं, सही समय पे, देखो समय का ध्यान नहीं रखा, और जो सही समय है, सही समय पे सही हालातों में और सही फैसले कर ले, वो समझदार है। और जो इन तीनों में कोई तालमेल नहीं बनाया है वो बेवकूफ। बड़ा सिंपल था फंडा, समय, सितंबर, 1 तारीख, इससे ज्यादा उपयुक्त कोई समय हो ही नहीं सकता। और जब मुझे आज के दिन के बारे में पता चला कि आज के दिन की बात मुझे करनी है, तो मैं इतना उत्साहित था, मैंने कहा 1 तारीख को अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग मेरी खुद की होती है जब भी मैं बात करता हूँ, तो मैंने कहा ये सही समय है जब मैं बार बार एक निर्णय करूं कि यस, मतलब वो जो यस है उस यस मोड को खूब तेजी से अपने भीतर ट्रांसफर कर दूं कि यस, आज हमने जो भी वादा करेंगे, आज हम जो भी प्लान करेंगे, आज जब जो भी पॉलिसी बनाएंगे उस पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। सही समय है और हालात, तो हालात तो आप सब जान ही रहे हो कि पूरी दुनिया में हमेशा हम लोग हर बार कहीं ना कहीं नए कीर्तिमान बनाने के लिए पैदा हुए हैं, तो इतने बढ़िया हालात आज हमारे पास है, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी सुचारू रूप से हमारी व्यवस्था काम कर रही है, जहां पे हमने बहुत कुछ अलग कर दिया, बहुत कुछ अद्भुत कर दिया है। और बात आती है कि सही फैसला, इस महीने में रॉयल्टी जाना और रॉयल्टी नहीं जाना, ये समझदार और बेवकूफ के बीच का डिफरेंस है। इस महीने में, मतलब इस महीने में रॉयल्टी जाना एक समझदारी वाला फैसला है, और इस महीने में भी रॉयल्टी नहीं जाना, ये कौन सा फैसला है, ये मुझे बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। वाइटल हमारे बिजनेस में सीढ़ियां बना देता है काम करने, और वो सीढ़ियां बना के अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम करना आसान हो जाता है। छोटे छोटे लेवल से वो जो छोटा सा बिजनेस होता है ना, वो बड़ा हो जाता है अगर सीढ़ियां बनी हुई है। कोई भी काम को बहुत बड़े रूप में पहले दिन, पहले महीने, पहले हफ्ते करना संभव नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी वक्त है, जो भी हमारा बिजनेस का साइज है, जो भी हमारी टीम का साइज है, हम उस टीम के ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने पूरे बिजनेस की गोल सेटिंग और प्लानिंग सही ढंग से करें,
और छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो हमारे लिए बड़े से बड़े मुकाम को पार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये स्थायित्व भी पैदा करेगा, बिजनेस का आधार मजबूत बनाएगा और जाने के रास्ते आसान कर देगा, लेकिन इसके लिए योजना तो हमारे को बनानी होगी। अगर हम लोग ठीक से योजना बनाएंगे कि भाई हम कैसे काम करें, बिगिनर कोई कैसे जाएगा, स्टार्टर कोई कैसे जाएगा, ओपनर कोई कैसे पहुंचेगा, फिर अगर नीचे इस तरह से प्लान करके काम करेंगे तो कोई ईगल कैसे जाएगा, फिर रनर विनर या स्टार पिन पे कोई कैसे पहुंचेगा, तो इसके लिए लेकिन आपको एक प्रॉपर स्टडी, देखो केवल चले जाओ चले जाओ चले जाओ कोई नहीं जाएगा, आपको योजना तो बनानी पड़ेगी, है ना। जाना है जाना है जाना है हम शायद न जा पाए, योजना तो बनानी पड़ेगी। एक अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हमारे लिए किसी भी मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टीसी सर का जो मॉर्निंग सेशन होता है, जो कार्यशाला होती है, जो वर्कशॉप होती है, वहां पे आपको बिल्कुल एकदम एक एक करके वो कदम आपको बताए जाते हैं। विशेष रूप से आजकल जो 6:30 बजे का प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स मिलते हैं जहाँ पे अगर उसको अप्लाई करें तो आपके लिए किसी भी योजना को उसको मूल रूप देना, उसको पर्याय में कन्वर्ट करना आपके लिए आसान हो जाता है। तीसरी बात है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब, अभी इसको थोड़ा मैं अगर अपने तरीके से इस शब्द को मैं अगर बदल दूं कि आप इसको इस मिशन को ठीक तरह से कर रहे हैं, अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हैं, और ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं अगर आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा फॉर्मेट है कि नए लोगों के पास जाना है, आपने लोगों के साथ प्रोडक्ट की शेयरिंग करनी है, आपने नॉलेज गेन करनी है, आपने अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को इस बिजनेस की और इस मिशन की जानकारी देनी है, तो ये सब चीजें करने के लिए आपका डायमंड क्लब होना जरूरी है। और अभी मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा, थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा में विशेष रूप से करूंगा कि डायमंड क्लब कितना जरूरी है, और फिर हम बात करेंगे रॉयल्टी के मिशन के ऊपर। तो डायमंड क्लब करने के लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं, मैं अगर 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 उस दौर में जब हमारे पास प्रोडक्ट की जो श्रृंखला होती थी उसमें हमारे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट सीरीज होती थी, जो कि हम लोग रोजमर्रा के प्रोडक्ट, और इसमें भी आधे भी नहीं होंगे प्रोडक्ट्स, भाई बहुत सारी चीजें, जैसे उस टाइम में गुड डॉट नहीं था, वो तो चीज ही बाद में, प्रोडक्ट ही बाद में है, बहुत सारी चीजें मतलब बहुत, फिर उस टाइम पे तो चाहे अगर मैं बात करता हूँ एलोवेरा जूस भी नहीं था उस टाइम पे, गिलोय भी नहीं था उस टाइम पे, केनोवा नहीं था उस टाइम पे, जीरा नहीं था उस टाइम पे, हींग नहीं थी, यानी ये डायमंड क्लब करने के लिए जो 2005, 2006, 2007, 2008 का वक्त ले जाऊं तो वहां पे भी लोग डायमंड क्लब करते हैं। आज तो व्यवस्था बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप ले चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इस प्रोडक्ट सीरीज और इस कैटलॉग को ध्यान में रखेंगे तो आपको लगेगा किसी भी घर में जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स है वो बहुत एकदम बिल्कुल आवश्यक है, जो बिल्कुल उपयोगी है, अगर हम उनको ठीक से काम में लें तो हमारे घर में बहुत आसानी से काम होता है। और यहाँ पे डायमंड क्लब को एक मैं दूसरी डेफिनेशन के साथ बात करना चाहूंगा कि यूजर बनो और शेयरर बनो, यानी आप पहले प्रोडक्ट को यूज करो और फिर आप अपने कुछ मित्रों को आप इस प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करो। और एक फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, 10 ग्राहक हमारे होने चाहिए, 10 कस्टमर, यानी 10 आपके पड़ोसी, 10 मिलने वाले, 10 रिश्तेदार, 10 लोग, 10 मिलने वाले आपके ऐसे होने चाहिए जो आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपसे ले रहे हो। जब कोई एक व्यक्ति अगर सपोज मान लीजिए लेना बंद कर दे तो आपने कोई और दूसरा ढूंढना चाहिए, नहीं 10 नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज खाली है। अगर 10 में से कोई एक व्यक्ति की आईडी अगर आपने बनवा दी है इसका मतलब फिर एक कम हो गया। 10 कस्टमर का आपका बैंक हमेशा बना रहना चाहिए। अगर आपने ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आपका डायमंड क्लब भी क्लब करने में कभी आपको परेशानी नहीं होगी और आपका बिजनेस बढ़ाने में कभी आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि अब आप इस डायमंड क्लब को डबल डायमंड क्लब कर सकते, डबल का मतलब डायमंड क्लब का दूरा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हमारे पास न्यूट्रिशन की एक बड़ी कमाल की श्रृंखला है, बहुत ही अद्भुत श्रृंखला है, थोड़ी सी बात अभी मैं आपके बीच में आगे करूंगा। हमारे पास गामा ओरिजिनल की बहुत भयंकर और बहुत ही कमाल की सीरीज है, इसके ऊपर भी बातचीत में भी आपके बीच में थोड़ी सी करूंगा। हमारे पास कीसोल एक बहुत अद्भुत है, थोड़ी सी बातचीत अभी करूंगा, लेकिन बाकी की बातचीत फिर एक दिन हम अलग सीजन इसके ऊपर करेंगे। और चौथा बात है गारमेंट्स, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के लिए मैं आज आपको इसलिए विशेष रूप से फोकस करना चाहता हूं कि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है
जहां पे आप 100% पीवी ले सकते हैं टेक्सटाइल के बहुत सारे प्रोडक्ट, 100% पीवी। मतलब मुझे याद नहीं आता है कि 100% पीवी टेक्सटाइल जैसी चीजों पे हम यहाँ पे ले पाए। मतलब ये मौका जो मिला हुआ है आपके पास, ये जुलाई जून में स्टार्ट किया था, फिर आपको जून के बाद जुलाई भी मिल गया, अगस्त में मिल गया, और मजेदार बात है आपको इस महीने में मिल रहा है। हाँ, अभी एक मौके पे चौका लगाना आपको आना चाहिए कि ये फायदा हम लोग पूरा उठाए। और अगर आप टेक्सटाइल की सीरीज देखेंगे जो आपकी पहचान है, जो आपकी शान है, क्योंकि बाकी कोई और व्यक्ति तो कोई और मार्केटिंग कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में है वो तो टेक्सटाइल पे काम कर ही नहीं सकती। अब तक जितनों ने प्रयास किया ओने वो गिर पड़े, क्यों, हर किसी के बस की चीज नहीं है। और यहाँ पे टेक्सटाइल महाराजा है और टेक्सटाइल की इतनी बड़ी सीरीज है, और यहाँ पे अगर उसके बाद अगर आपको 100% पीवी मिल रहा है तो यानी आपके पास टेक्सटाइल टेक्सटाइल से डायमंड क्लेम किया जा सकता। अब यहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी बातचीत करूंगा। 26 नवंबर को न्यूट्री चार्ज बिगुल बजा देगा एनिवर्सरी का, और वो पहला ही दिन जो है ना वो बड़ा जबरदस्त होने वाला आपके लिए। उसमें बहुत कमाल की चीज है जिसको शायद अभी आपका ध्यान गया होगा कि नहीं गया होगा कि पेविलियन बनाया जा रहा है ना। हो सकता है कि मीटिंग में कोई लोग पेविलियन की चर्चा भी नहीं करते होंगे, लेकिन पेविलियन बनाया जा रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने कोई भाई साला जीजा मामा पड़ोसी दोस्त दुश्मन काका चाचा आप किसी को भी पकड़ लाओ, अभी उसने मान लिया आपके साथ इस बिजनेस में कोई भी शुरुआत नहीं की है, अभी वो आपकी बात सुन नहीं रहा है, अभी आपका प्रोडक्ट ले नहीं रहा है, आप इस पेविलियन में जाओ। यहाँ पे लाना बड़ा आसान काम है, बहुत आसान है, सरल सिंपल है। आप बहुत अच्छे ढंग से बोल सके एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक उसका एक पेविलियन लगा हुआ है जो हेल्थ प्रोडक्ट में बहुत बड़ी सीरीज की जानकारी हमें शेयर कर रही है। आप पेविलियन में लिया आप, और फिर आप देखो आप आगे आगे चलोगे वो आपके पीछे पीछे चलेगा, थोड़ी देर बाद वो आगे आगे चलेगा आप उसके पीछे पीछे चलोगे, है ना। फिर वो बिल्कुल ऑटोमेटिक, वो आप वो रोक ही नहीं पाओगे वो जो यहाँ पे उसको जो वो चीजें देखने को मिलेगी और जो यहाँ पे वो अनुभूति होगी और जो उसको लगेगा कि यार ये मैं जो देखिए क्या होता है ना, कोई व्यक्ति अभी हमारे को देख के आंकलन करता है कि ये क्या काम करते होंगे। अब हमारे आंकलन में देखिए हम तो असाधारण घरों में रहते हैं, साधारण तरह से लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, लेकिन जब वो इतने बड़े ब्रांड को देखे यहाँ पे तो उसकी पूरी एकदम कहना मनोदिशा बदल जाती है। जब यहाँ पे वो आएगा 26 तारीख को बिल्कुल बच चुका होगा, उस दिन हमारे को संतोष नायर जी की ट्रेडिंग भी मिल रही है। हाँ ये है कि आप लोगों ने जिन्होंने भी अगर वो टारगेट्स पे काम किया है उनको फायदा ज्यादा हो जाएगा, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। संतोष नायर जी आपको अंदर बुलाने के लिए ना नहीं करेंगे, है ना, आपके पास एंट्री के लिए कोई बाधा नहीं होगी। हाँ ये कि जो भी आपको प्रोसेस है, जो भी एक आप एंट्री पास की व्यवस्था आपको बनानी है, लेकिन आपको एक मौका मिलेगा जहाँ पे आप इतने बढ़िया अद्भुत माहौल में आप उस पर काम करेंगे, जानेंगे सीखेंगे नॉलेज गेन करेंगे, मोटिवेट होंगे एजुकेट होंगे, दिमाग की बत्तियां जलेगी, बंद खिड़की दरवाजे खुलेंगे, है ना, अंदर से गड़गड़ गड़गड़ कुछ आवाज आएगी, आपकी विचारधारा में बड़ा परिवर्तन होगा, सोच बदलेगी, भविष्य का निर्माण होने लगेगा, है ना, और आपको एकदम बहुत कुछ बदला बदला नजर आएगा। वो एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तित हो सकता, बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। न्यूट्री चार्ज के बारे में एक छोटी सी बात मैं जरूर अभी आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी की मैं इस पर कोई बहुत लंबी छोटी बात थी इसलिए नहीं करूँगा, उसकी लगातार ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती रहती है, बट एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ। घटना है 2010 की, यानी आज के लगभग 13 साल पहले, तब मेरी उम्र थी 45 के आसपास, मेरी उम्र थी 45 साल की उम्र थी। मेरे जोड़ों में कुछ दर्द होने लगा, अब जो जोड़ों में दर्द होने लगा तो मेरे को मन में आया यार मैं अभी इतना जल्दी जल्दी मेरे पाँव में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे को चलने में थोड़ी परेशानी होने लगी। मैं डॉक्टर के पास, मैंने डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे थोड़ा जॉइंट पेन हो रहा है तो वजह क्या है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो वैसे कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल सा मामला है, जब उम्र बढ़ती है ख्याल नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे ये चीजें आने लगती है। तो मैंने कहा सर उम्र बढ़ती, मैंने कहा मैं तो 45 साल का जवान आदमी, कहाँ उम्र बढ़ती है, अब ये आप उम्र बढ़ने वाली बात हम कहाँ करें। बोले सर जब ख्याल नहीं रखते हैं तो ये सब चीजें होने लगती है, आपका खान पान आपका रहन सहन जो है उसकी वजह से ये सब चीजें होने लगती है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, बोले सर अभी कोई खास बात नहीं है लेकिन अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आगे आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो मैंने कहा भाई तो ऑपरेशन ऑपरेशन की बात है तो मैंने कहा ध्यान बताओ कहाँ कहाँ रखना है, मैं सब जगह रख लेता हूँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। उन्होंने कहा एक तो आपको गाड़ी गियर वाली नहीं चलानी है,
ऑटोमेटिक चलानी है। अब मैंने कहा यार ये तो बात बड़ी जोरदार है, उस टाइम पे तो मेरे पास जो गाड़ी थी वो गियर वाली गाड़ी थी, तो ऑटोमेटिक थी नहीं। और उसके बाद दूसरा बात उसने बताई कि सर आपको ना ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़नी। देखो ध्यान वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो जो उन्होंने बताई। अब मेरे यार मैं तो अपनी ऑफिस बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग में उसी समय इत्तेफाक से मैंने ऑफिस बिल्डिंग ली, मैंने थर्ड फ्लोर पर अपना ऑफिस केबिन बना रहा था। मैंने कहा 3 मंजिल तो मुझे रोज चढ़ना पड़ेगा, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार। तो मैंने कहा ये तो डॉक्टर साहब ने तो मेरे को कुछ अलग बात बता दी। मैंने दो चीजों का प्लान किया, एक मैंने गाड़ियां ली ऑटोमेटिक वाली, अब 1 करोड़ रुपए तो मेरे गाड़ियों में खर्च हो गए। मैंने भाई वाले डॉक्टर ने कहा कि उसने तो भले ही दवाई नहीं दी लेकिन मेरे तो खर्च हो ही गए। और मैंने अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट लगवा ली, मैंने कहा सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़े। भला हुआ न्यूट्रीचार्ज का 2011 में न्यूट्रीचार्ज आया और थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने बोन एंड जॉइंट का प्रोडक्ट हमारे बीच में लॉन्च किया। अब लॉन्च किया तो प्रोडक्ट लेना शुरू किया तो कुछ ऐसा हुआ कि वो मेरी लिफ्ट जो मैंने ऑफिस बिल्डिंग में लगवाई आज 12 साल हो गए लिफ्ट कभी काम आई नहीं। मैंने नुटचा जो वो कह रहा आप ये थोड़ा पहले बता देते तो मेरे 20 लाख का फटका नहीं लगता। तो मैंने कहा यार जबरदस्ती मेरे वो वाकई ये बिल्कुल सच्ची बात है, अगर कोई मेरे ऑफिस पे आए तो देखेगा मेरे ऑफिस में लिफ्ट लगी हुई जिसको आज तक कभी यूज किया ही, अब करना क्यों, कोई लॉजिक ही नहीं उसका। तो वो लिफ्ट मेरे आज तक कभी काम नहीं आई और आज 12 साल हो गए ऐसे भागते दौड़ते पता ही नहीं चलता कहां क्या कुछ हो गया। तो वो जादू जैसा प्रोडक्ट है और ऐसी बातें अद्भुत एक एक करके मैं आपको बताऊं, चाहे न्यूट्रीचार्ज व्यू है, चाहे वेज ओमेगा है, चाहे S5 है, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज का वोमेड है, मतलब आप एक एक करके उन तमाम चीजों के बारे में अगर हम जानकारी लें तो एक से एक कमाल की चीजें हैं। हाँ अब ये जो प्रोडक्ट जो श्रृंखला है ये इतनी अद्भुत है, इतनी शानदार है। हाँ हम काम कैसे करते हैं हमारे पर, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि न्यूट्रीचार्ज से आप पूरी जिंदगी डायमंड क्लब बहुत आसानी से कर सकते हो। वैसे तो इतना प्रोडक्ट किसी के घर में यूज हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको बहुत आसानी से अपना कस्टमर नेटवर्क बढ़ा सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा गामा रिजोल्व पे, और गामा रिजोल्व पे थोड़ा सा मैं अपना नजरिया शेयर कर रहा हूँ आपके बीच। वैसे तो आप लोग लगातार गामा रिजोल्व के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे ट्रेनिंग आप अटेंड करते रहते, लेकिन मैं थोड़ा सा मार्केटिंग एंगल से बात करना चाहता हूँ। देखिए बीसी सर ने दिया मिशन 5 करोड़, अब इसकी थोड़ी साइंस को समझना चाहते हैं, 5 करोड़ कैसे, आखिर क्या फॉर्मूला है, ये फिगर आखिर आया कहां से, बात आई तो निकली कैसे है, तो ये क्या प्रैक्टिकल हो सकता है। तो यहां पे मैं सबसे पहले बात करता हूं, अगर आपके पास अगर संभावित ग्राहक ही नहीं हो तो 5 करोड़ कैसे होगा। तो यहां पे जो 50, 60, 70, 80 करोड़ लोग आज के आ जैसे हैं जिनको अभी का मतलब 1 तारीख, 2 भी नहीं, 1 तारीख को गामा का डब्बा खोल के खिला सकते हो अभी का, ऐसा नहीं कहा लेना पड़ेगा इस उम्र में लेना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा, महिलाओं को लेना पड़ेगा, पुरुषों को लेना पड़ेगा, गांव वालों को लेना, ऐसा कुछ ऑब्स्टिकल है ही नहीं। आज के आज 50, 60, 70, 80 करोड़ लोगों को इसकी जरूरत है, यानी आज के आज जरूरत है, इसका मतलब इसकी संभावना कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे बात इसलिए मिशन 5 करोड़ बन जाता है। दूसरी बात आती है अफोर्डेबिलिटी। देखो भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत अधिक अमीर लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं, लोअर क्लास भी है, लोअर मिडिल भी है, अपर मिडिल भी है, सब तरह के सेगमेंट के लोग, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है इसकी जो प्राइस है वो इतनी कमाल बैलेंस है, इतनी वंडरफुल तरीके से बैलेंस की गई है कि वो सबको अफोर्ड कर, मतलब सब इसको ले सकते हैं, बहुत आसानी से ले सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं अगर आप लोग अगर मेरे सामने बैठे हो तो मैं पूछता इसकी प्राइस क्या है, और मैंने जब जब भी लोगों से पूछा तो कोई कहता है जी 500 रुपये, 550, 560, 570, है ना, थोड़े लोग अलग अलग फिगर बोलते हैं, बट मैं आपको एक सही प्राइस बताना चाहता हूँ। इसकी सही मायने में प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 15 रुपये रोज, 15 रुपीज डेली, ये प्राइस है। अब 15 रुपये रोज, आदमी 2 चाय पी जाता है 15 रुपये, है ना, कहीं जाता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई निकलते करते किसी के साथ तो गुटखा तंबाकू टाइप की चीज है जिसकी क्वांटम सेल, मतलब आप अगर सेल्स के फिगर बता दूंगा आपको आप हैरान रह जाओ, मतलब वो उतने फिगर्स जो कहते हैं हम गरीब देश है, ठीक है मान लिया तो गरीब देश है, तो फिर इतना तंबाकू गुटखा बिकता क्यों भाई, इतनी कोको कोला बिकती क्यों है, इतनी पैसे बिकती क्यों है। मैं कहता हूं जितना गुटखा तंबाकू बिकता है अगर उसका अगर मैं सिर्फ 2% भी शेयर कवर कर लूं तो भी गामा हर एक आदमी की पॉकेट को अलाउ करता है, तभी सूट करता है, इतनी अफोर्डेबल प्राइस,
15 रुपए रोज, मतलब किसी को बोले 15 रुपए रोज आप जिंदगी बदल सकते हो, आदमी कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो 1500 रुपए पर मंथ आपको दवाइयों के बजट पे आपको बजट बना के खर्च करना पड़ेगा। कितनी तरह की चीजों पे काम करता है इसकी लिस्ट बनाना इस इंसान के बस की बात नहीं है ना, उसके लिए फिर भगवान ही बनना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट किन पे काम करता है, क्योंकि अभी तो किसी को पता ही नहीं है। जो लेता होगा कहता मेरे को ही फायदा, बोले मेरे ही फायदा, बोले मैंने कहा तुम्हें तकलीफ क्या थी, और सर बोले मैंने तो वैसे ही लिया, ये तो मेरे को तो यहाँ यहाँ फर्क पड़ गया। ये वाकई ऐसा है कि प्रोडक्ट्स में इतने ज्यादा बेनिफिट हमारे को देखने को मिलते हैं। तीसरी बात है अवेयरनेस। देखो 5 करोड़ तक हम जा पाएंगे जब तो कुछ का बात बनेंगे, तो लगातार ट्रेनिंग मिलती है, लगातार एकदम ओपन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लगातार बड़े बड़े इवेंट्स अभी हम करने होने जा रहे हैं, जिसमें अभी 20 अगस्त का प्रोग्राम अभी आपने ताजा ताजा तरीन तरीन त्यागराज स्टेडियम अटेंड किया, अभी मुंबई में प्रोग्राम होने जा रहा है और बाकी बहुत सारे प्रोग्राम सब आपको पूरे भारत में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपकी मेरी जिम्मेदारी बनती है इसके अवेयरनेस कैसे पैदा करेंगे, जिसके बारे में भी थोड़ी बातचीत में आपके बीच में करूंगा कि 5 करोड़ तक कैसे जाना चाहिए। चौथी बात है यूनिकनेस। वो कहते ना कि आप चुनाव में खड़े हो और अपोजिशन पार्टी में कोई हो ही नहीं, जीतने की गारंटी हो गई। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि प्रोडक्ट ऐसा है कि आप खड़े हो चुनाव में, आप लेके घूम रहे हो गामा, और पूरे हिंदुस्तान में किसी और के पास ये प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ये अपने आप में कैसी यूनिक चीज होगी, और किसी के पास हो ही नहीं सकता। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर मैं बात करता हूं कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ मिलेगा, क्या मेरा मामा केरला में रहता है वहां मिल जाएगा क्या, क्या मेरा साला पांडिचेरी में रहता है वहां मिल जाएगा क्या, अरे आप भारत की धरती पे एक बार उंगली रख के तो देखो, जहां बोलोगे वहां पे 11,000 से ज्यादा सेंटर, 1,00,000 से ज्यादा डिस्प्ले वाल, आप जहां बोलो वहां मिल जाएगा। यानी ये इतनी ज्यादा अप्रोच रखता है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि माल की अवेलेबिलिटी कहां कहां पर होगी। छठी बात आती है कि क्या ये वाकई अगर आरसीएम के सारे साथी मिलके तूफान जैसे गति पे काम करना शुरू करते हैं तो क्या कंपनी बना पाएगी। तो ये बात को जानने के लिए आपको एक बार कंपनी में कभी अगर विजिट करने का मौका मिले तो उसके बाद ये सवाल पूरी जिंदगी कभी दोबारा पलट के पूछेंगे नहीं। आपको एक ही बात मालूम पड़ेगी कि बस काम करना है, पीछे मुड़के मुड़के देखना नहीं है। आप जितना करोगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। अब बात करता हूं मैं, इसके परिणाम केवल बीमार लोगों को नहीं पता चलते। मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट लेने का सही मायना है। देखो मैं आपको एक मेरे तरीके से बात करना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी कहता है मेरे को ये तकलीफ थी मैंने लिया फायदा हो गया, इसमें कौन सी बड़ी तकलीफ थी लिया, अरे तकलीफ में तो कोई आदमी दवाई की गोली लेता 15 रुपए की ठीक हो जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब तकलीफ में ठीक हो गया बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात कब है जब एक स्वस्थ आदमी ले, एक बिल्कुल 6 फुट का इंसान, गोरा चिट्ठा लंबा तगड़ा एकदम एकदम फिटाम फिट हो, कहते जी मैं तो 15 साल हो गए मैंने जिंदगी में आज तक कभी कोई 5 रुपए की गोली नहीं ली, आज तक मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आज तक मैं किसी नीम हकीम के पास नहीं गया, आज तक कभी दादा नानी के कुछ नुस्खे नहीं सुने, आज तक न मेरे पिताजी ने मैंने कभी कोई प्रोडक्ट लिया, न पिताजी ने लिया, न माताजी ने लिया, न बच्चों ने लिया, न पत्नी ने लिया, न भाई ने लिया, न पड़ोसी ने लिया, उसको खिलाओ और वो कहे रिजल्ट आ गया, इसका मतलब प्रोडक्ट काम। वो कहते हैं जिसको नहीं चाहिए उसको खिलाओ तब मालूम पड़ेगा काम करता है, ये प्रोडक्ट सही वाकई ऐसा है। वो कहेगा बड़ा हल्का लग रहा है, वो कहेगा बड़ा अलग फीलिंग आ रही, वो कह मैं उड़ रहा हूं, तब पता चलेगा कि प्रोडक्ट काम करता है। ये प्रोडक्ट वाकई यही ऐसा है, ये प्रोडक्ट्स जवानी में बुढ़ापा लोगों को दिखने लगता है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स बुढ़ापे में जवान बना दे। देखो लेफ्ट साइड में जो आदमी दिख रहा है आपको, जिसके दाढ़ी है, जिसकी उम्र 32 साल है, अभी बूढ़ा नजर आ रहा है, और जो बुढ़ापे में जो आदमी दिख रहा है जिसकी उम्र 68 साल है, जो आपको 28 का नजर आ रहा है, तो ये फर्क आप अगर सही अगर डाइट प्लान कर लें तो ये फर्क आप भी पैदा कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन फोटो को देखने की जरूरत नहीं, फिर आप खुद अपने शीशे के सामने खड़े होकर आप खुद अपने आप को देख सकते हो, हम भी ऐसा हो सकता है। साइड इफेक्ट क्या क्या है इसे? तो मैं बहुत ज्यादा लंबी छोड़ी कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक साइड इफेक्ट मैं जरूर बताना चाहता हूं जिसका मुझे एहसास है। देखो मैं क्योंकि आप सबका सीनियर हूं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वो चीजों का पहले आगाह कर दूं, फिर बाद में आपको शिकायत न करूं। अगर आप इसको लेते रहेंगे तो ऐसा चेहरा जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, फिर आपको सर मेरे बुढ़ापे में मेरे तो कोई डिजाइन बनी नहीं चेहरे पे, है ना, तो ये क्या गड़बड़ हो गई, तो भाई वो गड़बड़ तो होगी, ऐसा डिजाइन बनेगा ही नहीं आपका, है ना। अगर आपको ये बुढ़ापे में ऐसी डिजाइन चाहिए तो फिर जिंदगी में गामा को कभी हाथ मत लगाना, है ना, और अगर गामा को हाथ लगाओ तो डिजाइन बनेगी नहीं, फिर आपको प्लेन प्लेन ही रहना पड़ेगा।
ये इसका साइड इफेक्ट जरूर है। अब मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा, गामा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दुनिया भर के वीडियो ट्रेनिंग्स के, दुनिया भर के, और एक नहीं, दो नहीं, तीन, 50, 100, 200, 500 वीडियो है आपको यूट्यूब पे और ईसा मैडम के चैनल पे, आप देखेंगे बात समझ में आ जाएगी। फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, फिर भी आपका दिल नहीं करे, सॉरी, फिर भी आपका दिल नहीं करे लेना कि नहीं लेना। आप ईशा मैडम की अलग से ट्रेनिंग्स जो आपके पास आपको मिलती है, आप वो ट्रेनिंग अटेंड करें, उनकी बुक्स आई है उस पर बातचीत करें, आप उनके बाकायदा बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स है उस पर बातचीत करें, बहुत सारी कैटलॉग्स है उन पर बातचीत करें, आपको समझ में आएगा कि गामा लेना किसी के लिए कितना जरूरी है। आपको फिर भी शायद हो सकता मन करे कि नहीं करे, लेऊं कि नहीं लेऊं। आप क्या करें, गूगल बाबा से पूछिए कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना, तो गामा डालिए और गूगल बाबा से पूछिए कि गामा क्या क्या करता है। तो देखो, कोई भी चीज अगर आप जब गूगल पे पूछोगे तो वो कुछ फायदे बताएगा, कुछ नुकसान बताएगा, लेकिन ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, इसके नुकसान का कोई पता कर नहीं पाएगा। मतलब गूगल एक पूरी दुनिया का ओपन अकाउंट है, लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है ये आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, और गूगल आपको दुनिया भर के फायदे बताएगा, बताएगा कि ये क्या क्या करता है, दुनिया भर में क्या क्या दवाइयां बन रही है, और दुनिया भर में बाकी के डॉक्टर्स इसके लिए क्या कह रहे हैं। फिर भी आपका दिल मन करता है कि लें कि नहीं लें, तो आप उन लोगों से मिलिए जो लोग अभी गामा यूज कर रहे हैं और उनको क्या फायदा हो रहा है, उनसे पूछिए। अगर आप एक से बात करो, दो से बात करो, तीन से करो, 10 से करो, 50 से करो, 50 में से 49 लोग तारीफ कर दे और एक बुराई करे, मत लेना। लेकिन 50 के 50 तारीफ करे तो फिर तो लेना पड़ेगा, फिर तो लेना ही पड़ेगा, फिर तो मामला बात है। हाँ, लेकिन फिर भी आपका दिल कहता है कि भाई मैं लेऊं कि नहीं लेऊं, उन डॉक्टरों का क्या करें जो गामा के बारे में बात कर रहे हैं, वो वीडियो में आके बिल्कुल बाकायदा इसके सारे बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो सलाह देने का आपको क्यों लेना चाहिए। और मैं कहता हूं फिर भी आपको लगता है कि ये गामा का प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूं कि एक डब्बा खाइए, दिल से आवाज आए तो लेते जाइए, नहीं आए तो दुगने पैसे मुझसे ले जाइए। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। देखो, दिल आपका कभी झूठ नहीं बोलता, दिल झूठ बोल ही नहीं सकता आपका। अगर मैं पूरी दुनिया एक बार हो सकता मार्केटिंग कर रही हो, लेकिन आपका दिल मार्केटिंग नहीं करता आपके साथ, आपका दिल मैनिपुलेट नहीं करता कभी आपके साथ, आपका दिल कभी भी ओवर स्पोकन नहीं है, वो वही बोलेगा जो उसके अंदर से आवाज। तो आपके दिल से अगर आवाज आई कि लेना चाहिए तो फिर लेना चाहिए, बस ये आपका काम आसान हो जाएगा। गामा अगर एक बार आपने लेना शुरू कर दिया और आपने लोगों को देना शुरू कर दिया, तो इस दुनिया का हर दरवाजा आपके लिए खुलना शुरू हो जाएगा, हर घर की घंटी बजा सकोगे। तो वैसा आप ये प्रोडक्ट लीजिए, एक बार घंटी बजाओगे दोबारा खुद बुलाएगा, और जब आप जाओगे तो अगर आप एक बार किसी के भी घर चले गए, आपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर दिया, तो फिर आप एक एक करके उसके घर में जो ले जाना चाहोगे ना वो ले जाओगे, तो डायमंड खेल बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। आप वो सारे प्रोडक्ट्स को उस निगाह से देखेगा, और वैसे है भी सही, लेकिन क्योंकि वो ब्रांड की जब बात आती है तो कई बार ब्रांड कॉन्शियस लोग जो होते हैं वो लोग बाकी चीजों को उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब इस पर बात करेंगे तो आपकी वो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। आपको और लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि लोग इस पे जो काम कर रहे हैं वो आखिर कैसे काम कर रहे हैं। कुछ लोग एक महीने में 40 डब्बे बेच रहे हैं, कुछ लोग एक महीने में 20 डब्बे बेच रहे हैं, कुछ लोग 60 बेच रहे हैं, कुछ लोग 100 डब्बे बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे होंगे? भाई ऐसा थोड़ी ना कोई लाल मिर्ची लेके जाता होगा डब्बा घर घर में डाल डाल के आ जाता होगा, ऐसा तो करता नहीं होगा। फिर कोई भी आदमी मार्केटिंग तब कर पाता है जब उसके रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आते हैं उसकी डिमांड आती है, और डिमांड आती है तो वो रिपीट डिमांड आपके लिए काम करती है। करने वाले तो 500-500 डब्बे भी बेच रहे हैं, इसका मतलब आप समझ, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि एक डॉक्टर जो काम नहीं कर सकता उससे ज्यादा बड़ा काम तो यहाँ पे एक कोई गामा का काम करने वाला एसोसिएट बायर काम करता है। तो इसमें बहुत कमाल के रिजल्ट है। बट सही मायने में काम करने का तरीका क्या है कि ये एक डब्बा पहले आपको खुद खाना है। अगर आप खुद नहीं खा रहे हो तो इसके बारे में दूसरे से कभी जिंदगी में बात मत करना, नहीं तो पाप लगेगा। अगर बिना खाए किसी को बताओगे पाप लगेगा, कोड हो सकता है, घनघोर बीमारियां लग सकती है, बाल झड़ सकते हैं, गंजे हो सकते हो, है ना, और पता नहीं क्या क्या श्राप लग सकते हैं, सांप काट सकता है, चूहा बिल्ली आपके सामने आ सकता है, मतलब पता नहीं क्या क्या हो सकता है। भगवान रात को उठा के ले जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने खाया नहीं बता दिया। अगर आप बताना चाहते हो पहले खाओ, है ना। देखो, इसका सही मापदंड ही है, खुद को रिजल्ट आए तो 5 को और बताओ, बड़ा सिंपल सा मामला है। नहीं आता तो मत बताओ, बात सीधी सी है, भाई नहीं आता दुगने पैसे मुझसे ले जाओ, किसी को मत बताओ। रिजल्ट आ गया तो खुद भी खाओ, 5 को और बताओ। भाई अगर रिजल्ट आ गया
हम इतने स्वार्थी तो नहीं है कि रिजल्ट भी आ गया किसी और को बोले नहीं, है ना भाई, आपके भाई है, दोस्त है, मम्मी है, चाचा है, मौसी है, पड़ोसी है, अरे जब इतने सारे लोग हैं जिनको चाहने वाले आपके, पांच को भी नहीं निपटाए, ये तो काम बड़ा अजीब सा हिसाब किताब हो गया। खुद खाइए, पांच को जरूर बताइए, ये जिम्मेदारी निभाइए ताकि इस मिशन पे काम कर पाइए। तो यहाँ पे काम करेंगे, काम बहुत आसान हो जाएगा। ये प्रोडक्ट्स के बारे में अगर एक लास्ट समरी में करना चाहता हूँ कि कोई आदमी बिना पैर के रह सकता है लेकिन बिना दिल के कोई रह नहीं सकता। तो अगर कोई बिना दिल वाला आदमी हो तो फिर उसके पास जाने की आपको जरूरत नहीं। और मुझे मालूम है कि ये बात आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगी कि बिना दिल वाला कैसे ढूंढे। हर एक के लिए काम का है, इसलिए मिशन 5 करोड़ का है। आज भारत की आबादी 145 करोड़ के लगभग पहुंच रही है। अब 145 करोड़ की भारत की आबादी है, अब आपकी हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी ना कि आखिर इस आबादी में हम भी तो कुछ ऐसा करें कि हम लोग इस देश के लिए कुछ करें, इस स्वास्थ्य मिशन पे हम भी ऐसा कुछ करें। 145 करोड़ की आबादी है, आपको 145 करोड़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको चिंता, मैं इसमें से 100 करोड़ हटा देता हूँ, मैं इसमें से ये 40 करोड़ भी हटा देता हूँ, बचे 5 करोड़। 5 करोड़ का मिशन जो बीसी सर ने आपको हमारे को दिया है, अब ये जिम्मेदारी निभानी है। 5 करोड़ तक अवेयरनेस कैसे पैदा करेंगे, जाएंगे कैसे? उसी लिए तो हमारा सिस्टम है। हमारा सिस्टम कैसे काम करता है कि 5 की कसम खानी है, मतलब 5 की कसम खानी है। अगर 5 की कसम नहीं खाई तो जिंदगी में फिर कुछ नहीं किया, फिर जिंदगी बेकार है। अगर आपने लाइफ में ये काम कर लिया तो आपको ऐसा लगेगा जीवन में अब तक जितनी भी कमियां, गलतियां, जितने भी उल्टे सीधे काम, जितने भी कोई आपने मन में ग्लानी है, वो सब दूर हो जाएगी। आपको लगे सारे पाप धुल गए। वो कहते हैं 4 धाम जाके आते हैं इसलिए कि यार सारी गलतियां माफ हो जाए। ये 5 की कसम खाओ, आपके 4 ये 5 धाम कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी सारी गलतियां माफ हो जाएगी। 5 की लेकिन कसम खानी पड़ेगी, 5 को तो आपने लक्ष्य लेना ही पड़ेगा। आप 5 की कसम खाएंगे कि 5 लोगों को तो मैं गामा दे के रहूंगा, है ना, 5 को तो मैं गामा दे के रहूंगा, और जब तक ये मैं कर नहीं लेता है जीवन अधूरा है ना। अगर आपने ये काम कर लिया तो यही चीज को डुप्लीकेट करना है। 5 की कसम आप खाओगे और 5 की कसम 5 5 लोग वो भी खाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स है वो सबको खिलवा देगा ना। और ये संख्या, क्योंकि हमारा ही तरीका ऐसा है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, ये संख्या और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि हम सब लोग 5 5 की कसम खा ले तो हमारे पास 5 करोड़ तक जाने में भी कोई वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पे छोटा सा ग्राफ है आपके सामने, ये 24 25 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो 5 करोड़ तक पहुंचना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे को स्ट्रेटेजी पे फोकस करना पड़ेगा। लोग 6 पीस पे काम कर रहे हैं, लोग 18 पीस पे काम कर रहे हैं, लोग 30 पीस पे काम कर रहे हैं, लोग 100 100 पीस पे काम कर रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका मतलब लोग काम कर रहे हैं। आप काम नहीं कर पा रहे उसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। काम तो हो रहा है, काम नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो हो रहा होगा, वो हो जाएगा। काम करते हैं बढ़िया, तो आपको, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ऐसा है जिसपे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, रेगुलर डिमांड आती है, रेगुलर सेलिंग प्रोडक्ट मिल जाता है, और काम करेंगे तो रिटेल प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है, एकदम शानदार मिलता है। जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा आपकी मंथली इनकम में आप कितना कन्वर्ट करना चाहते हो ये तो आपके ऊपर है। अगर मैं बात करता हूँ तो गामा आपको, मतलब हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट सीरीज है वो एक एक सीरीज आपको डायमंड ले जा सकती है, चाहे वो न्यूट्री चार्ज की बात करता हूँ, चाहे वो गामा की बात करता हूँ, चाहे वो कीसोल की बात करता हूँ। ये अपने आप में एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप में कीसोल, कीसोल के ऊपर मैं ज्यादा बातचीत आपसे नहीं करूंगा क्योंकि वक्त का थोड़ा सा तकाजा भी है, बट एक छोटी सी स्लाइड जरूर मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अभी बीसी सर ने आपको बताया भी 15 करोड़ महिलाएं अभी हमारे साथ ऐसी है जो पढ़ी लिखी भी है लेकिन वो कुछ और काम नहीं कर पाती, उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन आरसीएम का की सोल वो सारी दिक्कतों को दूर करता है, जहां पे घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पॉकेट मनी, घर की पूंजी से काम चला सकती है, महिलाओं से बात करनी है ना, तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। एसेंशियल प्रोडक्ट कैटेगरी है, इससे काम हो जाता है। एक फिगर शेयर कर रहा हूँ कि जो ब्यूटी अवेयरनेस बढ़ रही है, अभी भारत में लगभग 60 लाख से अधिक ब्यूटी पार्लर काम कर रहे हैं और ये नेटवर्क अभी 50,000 गांव तक फैला हुआ है। 60 लाख ब्यूटी पार्लर, यानी ऑस्ट्रेलिया की आबादी की तरफ हम जैसे ब्यूटी पार्लर की संख्या लेके बढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है। 2025 तक आते आते लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार का साधन बन जाएगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स, है ना, जो ये इतनी बड़ी तादाद में है। और आरसीएम का जो कीसोल है वो उस सेगमेंट को पूरा कर रहा है जिस सेगमेंट पे अभी तक किसी ने काम नहीं किया, और जो एक जो लोअर मिडिल सेगमेंट है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद हमारे बीच में है। 15 करोड़ महिलाओं के बीच में जाने का एक मिशन हमारे पास है, लेकिन इस बारे में आप बहुत अद्भुत वो जो जो नजारा देख पाओगे वो नजारा होगा 28 नवंबर को। और उस प्रोग्राम में एंट्री लेने के लिए आपको बहुत सिंपल सा तरीका है, सिर्फ 3,000 पीवी आपको कंप्लीट करना है।
जून जुलाई अगस्त सितंबर आपने कहा मैंने जून में नहीं किया, कोई बात नहीं, जुलाई में भी नहीं किया कोई बात नहीं, अगस्त में भी नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन सितंबर में नहीं करोगे तो बात कोई नहीं नहीं रहेगी, फिर तो बहुत कुछ हो जाएगी। इसलिए अगर ये मौके को आप गंवाना नहीं चाहते हो तो आपको 3000 PV कंप्लीट करना है। अगर आपने कुछ भी कर लिया है तो आप बाकी का कंप्लीट करके आप 3000 PV से इसकी एंट्री ले सकते हो, एंट्री। हाँ, लेकिन एंट्री के अलावा बाकी आप जितना ज्यादा काम करोगे आपके उतने बड़े रिवार्ड्स है, आपके लकी ड्रॉ है, बहुत सारे बाकी चीजें और बहुत सारी एक्टिविटी है यहाँ पे। और इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ नई पिन पे। नई पिन जो कि 2000 मिशन का जो टारगेट हमारे को मिला है, ये एनिवर्सरी पे एक बढ़िया सेलिब्रेशन होने वाला है। और मिशन रॉयल्टी के बारे में छोटी सी बातचीत करना चाहता हूँ मैं आपके बीच में। देखो, सबसे पहले हमें गोल सेट करना चाहिए, फिर हमारे को टाइम समय का ख्याल रखना चाहिए, प्रायोरिटीज प्राथमिकता तय करनी चाहिए और उसके बारे में फोकस करके काम करना चाहिए और हमारा भरोसा होना चाहिए। इन पांचों चीजों पर छोटी छोटी बातचीत कर लेते हैं। देखो, रॉयल्टी जाओगे तभी तो डायमंड जाओगे, रॉयल्टी नहीं जाओगे तो डायमंड कैसे जाओगे? कोई तरीका नहीं है। ये वो दरवाजा है जिसमें घुसे बिना आप डायमंड जा नहीं सकते। और आपके मुझे रॉयल्टी नहीं जाना, इसका मतलब आपको रॉयल्टी के लिए ना नहीं कर रहे हो, आप डायमंड जाने के लिए ना कर रहे हो, है ना? तो कोई तरीका ही नहीं। आप कोई खिड़की नहीं है, पीछे का दरवाजा नहीं है, छत से टपक के आ नहीं सकते, छत तोड़ के नहीं आ सकते, नीचे से जमीन खोद के आ नहीं सकते। डायमंड जाना है तो रॉयल्टी जाना है, और कोई तरीका है ही नहीं। इसलिए अगर आप रॉयल्टी पे आज फोकस करोगे तो कल आप डायमंड जाओगे। देखो, जो भी लोग डायमंड गए हैं, जो भी साथी हमारे बीच में आज स्टार सेफायर है, सेफायर है, स्टार रूबी, रूबी जो भी है, वो रॉयल्टी की यात्रा से तो पार करके पहुंचे। तो एक दिन उन्होंने भी ये लक्ष्य बनाया। वो काम अगर आप आज करेंगे आपके लिए भी ये लक्ष्य आसान हो जाएगा। अगर देखो मैं बात करता हूं तो अगर आप बिगिनर पे फोकस करो तो 200 से 500% की ग्रोथ होती है, स्टार्टर से ओपनर पर फोकस करो तो 100 से 200% की फोकस होती है, यानी ग्रोथ होती है। अगर नीचे से ग्रोथ प्लान को लेके चलेंगे, ईगल से स्टार पे अगर आप काउंसलिंग करोगे तो 50 से 100% की ग्रोथ होती है, और अगर रॉयल्टी के लेवल से बात करो तो 25 से 50% की ग्रोथ होती है। ये अद्भुत हो सकता है, कमाल हो सकता है, जो सोचा नहीं हो सकता है। ये मौका आपके पास जहां पर आप इस पर कैसे काम करते हो। पहला है कि गोल सेट करिए, योजना बनाएंगे इसमें आपको किस किस दिन तक कितना काम करना है। पहले हफ्ते में कितना कंप्लीट करना है, दूसरे हफ्ते में कितना कंप्लीट करना है, तीसरे हफ्ते में कितना कंप्लीट करना है, और सही चीजों पे काम करिए, राइट फोकस करिए, है ना? जैसे वो जो डायमंड क्लब की जैसे मैंने जैसे आपकी बातचीत शेयर की, या वाइटल की सीरीज बना के आप काम करिए, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके पूरा गोल सेट करके काम करिए। छोटे छोटे हिस्सों में गोल को सेट करिए ताकि आप 30 दिन एक साथ आप चीजें नहीं कर पाओगे, लेकिन हर दिन के लिए कुछ प्लान करोगे ना, काम पर डे कितनी ग्रोथ करनी है तो काम आसान हो जाएगा। बीसीएसएल ने एक बढ़िया और कमाल का फॉर्मूला दिया है कि 1% ग्रोथ पर डे या 2% ग्रोथ पर डे काम इजी हो जाएगा। 1% इजी लगेगा, डेली के डेली कर लोगे तो आसान हो जाएगा। तो 1 से 2% की ग्रोथ बहुत आसानी से आप बहुत इजीली आप कर सकते हो। इस बात को ध्यान में आपको रख के काम करना चाहिए, लेकिन इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। लक्ष्य उन्हीं के हासिल होते हैं जिनके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञता होती है। जब तक इरादे मजबूत नहीं होते तब तक कभी भी कोई भी चीज काम नहीं करती है। एक रॉयल्टी अचीवर को 25,000 लोगों के बीच में सम्मानित होने का मौका मिलता है। अगर जीवन की सारी घटनाओं को देखें तो कभी 25 लोगों के बीच में सम्मानित होने का मौका नहीं मिला। और इस दुनिया का बड़े से बड़ा उद्योगपति और बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति भी चाहे कि 25,000 लोग मेरे सामने बैठ जाए, ताली बजाए, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप बहुत, अगर आपने अपनी टीम में एक एक करके जो भी अगर सीनियर साथी है, अगर अपनी टीम में रॉयल्टीज को फोकस करेंगे, उनकी टीम के लोगों को सम्मानित होने का बढ़िया मौका है जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग साथी जिन्होंने अभी रॉयल्टी का स्वाद भी नहीं चखा है, उनके लिए जीवन में इससे बढ़िया कोई टारगेट नहीं है। इस पर काम करके आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। समय की शक्ति, देखिए समय के बारे में एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। आप रॉयल्टी पे चले जाओगे ये कामयाबी नहीं है। आप पर्ल यानी टेक्निकल चले जाओ, पर्ल चले जाओ, ये भी कामयाबी नहीं है। आप एमरल्ड, स्टार एमरल्ड और रूबी चले जाओ कामयाबी तो वो भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ आप डायमंड चले जाओ कामयाबी वो भी नहीं। अगर वक्त पे नहीं जाओ, वो कहते ना अगर वक्त पे गए ही नहीं, अगर आप कोई काम, वो कहते ना अगर बिजली का बिल आपने कहा मैं तो अभी नहीं चुकाऊंगा, बाद में चुकाऊंगा, मैं तो शादी बुढ़ापे में करूंगा, बच्चों को मैं स्कूल जो है 40 साल का होने के बाद भेजूंगा,
आप कोई भी काम है उसकी वक्त की वैल्यू है, अगर आप वक्त पे कोई काम को नहीं किया कोई मतलब नहीं उसका। अगर आज आप रॉयल्टी नहीं जाओगे तो आप इस महीने से देर नहीं करोगे, एक महीने की देरी नहीं होगी, आपके एक साल की देरी हो जाएगी, यानी अगला रॉयल्टी पे सम्मानित होने का मौका फिर एक साल बाद मिलेगा। हो सकता है कि अगले साल रॉयल्टी वालों को स्टेज पे नहीं घुसने दिया जाए, फिर आप बोला सर मैं अब रॉयल्टी पे आ गया हूँ तो स्टेज नहीं मिल रहा है, बोला पढ़ जाना पड़ेगा, फिर आप जब पढ़ जाओ पता चला गया उनको तो स्टेडियम में नीचे जगह मिल गई, यानी पता चला वो कहते ना आप वो सिस्टम आगे आगे आप पीछे पीछे, ऐसी गलती नहीं हो जाए। तो सही तो मौका तब है जब आप समय पे काम पूरा करो, समय पे काम को करना ही जीत है, इसलिए आपका इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। तीसरी बात है प्रायोरिटीज, वो कहते थे कि जीवन में अगर वो कहते ना अगर मान लिया आपके घर में चुनाव हो, वो चुनाव में आपके कोई घर के मेंबर खड़े हो जाए या आप जो भी चुनाव में नेता लोग खड़े होते हैं, वो उनको आप अगर कोई भी बात करो कुछ भी बताओ तो वो कहते हैं भैया अभी सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल सारी प्रायोरिटी एक ही काम पर, वो सुबह उठते सोते जागते खाते पीते नाचते, रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे सपने में जगा के पूछो तो वो चुनाव के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करते, वो सारी प्रायोरिटी वहां पर आती है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये कभी आपके पास जो प्रायोरिटी वर्क है वो इससे ज्यादा कोई दूसरा चीज होनी नहीं चाहिए। तो हमेशा आपका फोकस पूरा का पूरा रॉयल्टी पे होना चाहिए और फोकस करके काम करेंगे। वो कहते हैं कि जब तक कोई चीज पर फोकस नहीं करो तो वो ताज नहीं मिलता, वो फोकस किए बिना आप किंग नहीं बनते कभी, तो फोकस आपको करके काम करना चाहिए। वो बीसीएस एक बात कहते हैं कि जिस पे आप फोकस करते हो वो चीज अपने आप बड़ी हो जाती है, तो आप वो ऑटोमेटिक। और अभी तक हमने यही किया, अब तक के मेरी 23 साल की यात्रा में हमने बीसी सर ने वत्स साहब ने मुकेश जी ने जैन साहब ने राजाराम जी ने हम सब लोगों ने जब भी जो काम किया जो बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और वो जो भी बड़े सेलिब्रेशन बड़े टारगेट्स बड़े गोल बड़े प्रोग्राम बड़े लेवल वो सब कुछ है, तो जब जिस चीज पे फोकस किया वो चीज होने लगी। तो अगर आज आप रॉयल्टी 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 पर फोकस कर दोगे रॉयल्टी आ ही जाएगी। और बात है खुद पे भरोसा, जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं है, खुद दुनिया में सब लोग बहुत कुछ आपकी मदद करें लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है तो दुनिया कुछ भी कर ले आपका कुछ नहीं हो सकता। अरे वो कहते हैं डॉक्टर तो आप पे इलाज करना चाहे लेकिन आप ही नहीं करवाना चाहो तो फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर कितना भी होशियार हो तो कुछ नहीं कर सकता। और भरोसे के मामले में बात है कि दुनिया आपकी कितनी भी मदद करे अगर आपको भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर आपको भरोसा है तो दुनिया आपके साथ कुछ भी मदद नहीं करे तब भी आपका परिणाम आपको मिल सकता है। बहुत जरूरी खुद पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। खुद पे भरोसे के लिए मैं कुछ एक दो छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इतिहास लिखा वो इतिहास लिखने वाले एक दो कहानियां मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा तो उनके परम को भरोसा था। एक अरुणिमा सिन्हा है जिसके बारे में वैसे तो आप लगभग काफी हद तक जानते होंगे, बहुत सारे इनके वीडियो जो आपने देखे होंगे और बहुत ही अद्भुत सी बातें जो इनकी अगर वीडियो को सुने देखे तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनको ने चलती हुई ट्रेन में डाकों ने फेंक दिया, चलती हुई ट्रेन में फेंक दिया और जिससे उनका एक पूरा पांव ही मतलब इनको पांव ही कटवाना पड़ा, मतलब लंगड़ी हो गई पूरी तरह से। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इनका ना एक जज्बा इतना मतलब मजबूत था कि वो वापस ठीक होने के बाद उन्होंने अपना एक नकली पैर लगाया और लगाने के बाद इनके जो गोल थे वो इनका पहले से शुरू से ड्रीम था, इनको था कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो वो इरादा कभी उसका कम नहीं हो पाया। तो अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर कोई लक्ष्य पार कर सकता है वो भी ऐसा मुश्किल एक ऐसा टिपिकल, पता ये मुझे कहने की जरूरत नहीं कि कितना मुश्किल लक्ष्य है, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में इतना मुश्किल लक्ष्य पार किया जा सकता है तो इतनी आसान स्थितियों में तो रॉयल्टी के ख्वाब आप कितने आसानी से पूरे कर सकते हैं। कपिल देव जिनको आप सब जानते हैं हमारे सुपरस्टार और सारे हीरो हैं, वो इसलिए हीरो हैं क्योंकि उन्होंने काम कुछ हीरो वाला किया है और वो एक क्रिकेट टीम में जब अपनी जगह बनाई वो कोई बहुत ज्यादा फेमस खिलाड़ी नहीं थे, बहुत एक एवरेज प्लेयर थे लेकिन काम किया उनकी परफॉर्मेंस आने लगी और परफॉर्मेंस आने के बाद जब विश्व कप जीता उन्होंने तो वो रातों रात इतने बड़े स्टार बन गए कि आज तक हम सब लोग आज यानी उस बात को आज लगभग 40 साल हो चुके हैं लेकिन 40 साल बाद भी इस हिंदुस्तान का 145 करोड़ बच्चा घर घर में कपिल देव को जानता है। क्योंकि जब कोई काम अद्भुत करते हैं ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी पहचान पूरी दुनिया में बने, आप चाहते हो कि आपको भी लोग बड़े बड़े गोल्ड लीडर के रूप में जाने तो आपको भी कुछ काम ऐसा अद्भुत करना पड़ेगा, कुछ कमाल करना पड़ेगा, कुछ शानदार करना पड़ेगा, कुछ जानदार करना पड़ेगा। वो कहते हैं अगर एरोप्लेन छूट जाए तो क्या पकड़ना संभव है, वो कहते हैं साइकिल छूट जाए
तो पकड़ना संभव है। आपने कहा मैं मोटरसाइकिल पे दौड़ के मैं उसको साइकिल को पकड़ लूंगा, मोटरसाइकिल छूट जाए तो कार में पकड़ सकते हो, कार छूट जाए तो ट्रेन में, ट्रेन छूट जाए तो आप और कोई तरीके से या एरोप्लेन से पकड़ सकते हो, लेकिन अगर एरोप्लेन ही छूट जाए तो फिर तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये रॉयल्टी का मिशन, ये एरोप्लेन छोड़ने जैसा काम हो जाएगा अगर हमने इस वजह रॉयल्टी को छोड़ दिया तो। ये छोड़ने वाली बिल्कुल भी जगह नहीं है, और आज पूरा माहौल बना हुआ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे हर घर में आज बात हो रही है रॉयल्टी 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 और रॉयल्टी।